वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोगरा बॉय बोल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं नए फिर से अब ब्लॉग के साथ आया हूँ और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई देखो पहले मौसम देखो आज का जो है ये है सवेरे सवेरे का टाइम है ठीक है। तो मैं यार डेली आता हूँ रनिंग करने वगैरह आता हूँ, इतना प्रो नहीं हूँ पर आ जाता हूँ कभी कभी रनिंग करने, तो आज भी आया था मैं रनिंग करने। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज ब्लॉग बनाया जाए और आज एक ऐसे मैं चाहता हूँ जहाँ पे वहाँ का पूरा माहौल दिखाया जाए। अभी फ़िलहाल ये जो चल रहे हैं लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं जिसकी वजह से भीड़ बड़ी कम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा मौका है दिखाने का। तो मैं आज जा रहा हूँ GDC कठुआ के, GDC मीन्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ का जो है ग्राउंड है जहाँ पर रनिंग वगैरह करते हैं लोग आए होते हैं उनको भी दिखाऊँगा। तो मेरे साथ बन के रहना, तो मैं आपकी गाड़ी आपको दिखाता हूँ जो मेरे साथ रहेगी। यार गाड़ी नहीं है, मेरा साइकिल है। तो बाकी आप सब खैरियत से होना, सब मज़े होना, बस वही ज़रूरी है भाई। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए तब तक मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, तब तक आप एक यहाँ का टाइम लैप्स देखो। ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है, तो इसका आपको मैं दिखाता हूँ टाइम लैप्स। तो देखो बंदे ने किया हुआ खज्जल, अरे अभी आया महाशय भाई अपने भाई आप। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अभी शर्मा, हिज नेम इज़ अभी शर्मा, सबको पता है। और यार दो तीन बंदे हो रहे हैं हमारे मोहल्ले के, देखो इनको इनको मिलाना जरूरी है। देखो गैंग्स इनका चढ़ गया हुआ अपना दिन, ठीक है ये इनका अपना एरिया, दूसरा कोई दूसरा वहाँ का ना दूसरे एरिया कोई कुत्ता नहीं आ सकता यहाँ भाई, अपना एरिया तो कैसे आने देंगे, ठीक है ना। तो मिलो इनसे, देखो तो कैसे देख रहा है, ये इसका यार है, ये जो इसके साथ चिपका ना ये इसका यार है। तो यार चलता है, बड़ा वेट करा लिया इसने अभी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। सवेरे सवेरे का जो मौसम होता ना भाई मज़ा वही है, सैर करने के लिए जो बंदे को कहते हैं ना आदत लगती है जिसको सैर करने की रनिंग करने की, उसका रीज़न यही है कि सवेरे सवेरे का जो मौसम होता ना चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, रिफ्रेशिंग मौसम जो होता है भाई वही बंदे की आदत डालता है। जो लोग इस टाइम सोए हुए ना वो इतने खुश नसीब नहीं है कि सवेरे का ये वाला नज़ारा दे सकें। देखो ये चीज़ है भाई, सवेरे के बिना नहीं दिख सकते भाई। सवेरे सवेरे पंखे हो गया, तो एक तो ये हमारा जो अब्बू है अपना साइकिल नहीं लाया, कहता मेरा साइकिल हो गया पंचर, तो मैं चल इसके साथ आज पैदल ही चलते हैं, ठीक है। और दूसरा पंखा क्या हुआ, ये अब्बू का कुत्ता है, देखो पीछे रिकॉर्ड दिखाता हूँ मैं। अब्बू यार बचाओ अपने कुत्ते को भाई, जो अब्बू का कुत्ता है ना ये आ गया दूसरे एरिए में, दूसरे एरिए में आने की वजह से जो बाहर वाले कुत्ते हैं इस एरिया वाले उन्होंने घेर लिया हुआ है इसको। ये देखो कैसे बैठा हुआ है, ये देखो। और जो दूसरे डॉन है मेन कुत्ते हैं वो है ये देखो कुत्ते, अब इसको घेर कर रखा हुआ है। और अब्बू अपनी पूरी कामयाब कोशिश लगा रहा है अपने कुत्ते को बचाने की। मेरे कोई कुत्ते नहीं है भाई, इसी के कुत्ते हैं, इसी के कुत्ते हैं, इसके कुत्ते को इसी का इस टाइम सहारा है, ठीक है। अगर ये आज उसके काम नहीं आया कोई फायदा नहीं है कुत्ते को इसकी हिफाजत करने का भाई, उसने बेचारे अपनी ज़िंदगी झंड कर लिया इसके चक्कर में। अबू बचाओ भाई अपने कुत्ते को भाई, इसलिए कहता हूँ जो मज़ा सवेरे सवेरे इन चीज़ों का है वो कहीं नहीं मिलने वाला आपको, इसलिए कहता हूँ सवेरे सवेरे रनिंग करो, रनिंग नहीं तो जॉगिंग करो, कुछ एडवेंचर तो होता है डेली सवेरे सवेरे जब लोग सो रहे होते हैं, यहाँ पर कुत्तों ने अपना माहौल बनाया होता है। क्या बोल रहा था, बोलता नहीं भाई मेरे को, नहीं तो कुछ बोल रहा था अभी भाई, इसको हो गई है चिंता कुत्ते की, ठीक है।
तो यार आप कोई कमेंट करो और इनको आइडिया दो कोई अपने कुत्तों को कैसे बचाना है। चलते हैं, निकल जाएगा कुत्ता। खैर निकल गया हुआ, बाकी कुत्ते भाग गए हैं, उनको पता चल गया बड़ा डरपोक कुत्ता है। ये अबू का कुत्ता है तो बड़ा डरपोक है, तो उनको तरस आ गया अबू के कुत्ते पे। तो हम तो चलते हैं भाई आगे का, आगे का दिखाते हैं आपको जहाँ पे हम जा रहे थे बेसिकली वहाँ का। बस तो भाग मिल्खा, बस तो भाग 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 मिल्खा। भाई बंदा कह रहा है आज रनिंग करके चलूँगा, तू आ जा साइकिल पे। बंदा भाग रहा आगे आगे, काली बड़ी से भागा था। और किधर पहुँच गया ये नहर आने वाली है, नहर के पास पहुँच गया हुआ। ठीक है, तो इसको कहते हैं मेहनत। देखो बंदे की मेहनत, बंदा कोई टाइम पे एक क्वांटल का था, ठीक है, तो आज की डेट में ये सिर्फ कितना वेट है तेरा ये वो छोकरे 70 किलो का हो गया, 30 किलो बंदे ने वेट लॉस किया, वो भी लॉकडाउन में। लोग कहते हैं अब लॉकडाउन में मोटे हो गए ये बंदे, हो रहे हैं कमज़ोर। हाय तो कर दो भाई, हाय करो हाय। इस टाइम इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? देखो बंदा क्या शर्मा कहता मेरा क्वांटल नहीं था। ओ भाई मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना यार, इस क्वांटल का काम भाई, क्वांटल का तो हम है ना। अब खुश है ना भाई तू, बंदा खुश रहना चाहिए भरावा, साड़ा कख नहीं है। ये आ गया डीसी ऑफिस, यार यहाँ का डीसी ऑफिस दिखा सकता हूँ, रुको इसको कर देता हूँ ओवरटेक। ठीक है हेयर कम्स GTC कठुआ। गाइस ये है GTC कठुआ की मेन एंट्री। भाई साइकिल बड़ा तेज भाग रहा है। ये है GTC कठुआ की मेन एंट्री, देखो कैंट है नी, कैसा लगा कमेंट करना भाई। जिसका ये कॉलेज है जहाँ पे जो पढ़ता है वो कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगाता है ये कॉलेज।
का वर्कआउट पूरा, आज हमने रनिंग की। तूने कितने चक्कर लगाए थे भाई? भाई साहब ने लगाया 5 और मैंने लगाया है 4। तो यार आज का बात ये है कि मैं कल परसों आया था तो मैंने बड़ी ज़्यादा रनिंग कर ली थी, मेरे आज हो रही है शिन पेन। पता आपको जो दौड़ते होंगे उनको पता होगा शिन पेन होती है यार ज़्यादा अगर भाग लेना हो तो। कई लोगों का तब होती क्योंकि मैं हूँ मोटा, ठीक है, मोटे की वजह से ओवर वेट जो होते हैं ना उनको भी आसानी से होती है, तो ये भी रीज़न होगा। तो मेरे को भी होने लग रही, इसलिए मैंने आज 4 चक्कर लगाए थे, भाई ने लगा दी थोड़े ज़्यादा क्योंकि कल इसकी थोड़ी ब्रेक थी। तो रनिंग के साथ साथ हमने थोड़ी सी एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज के साथ लोगों को देखा है, जो जहाँ का माहौल है देखो ग्राउंड का, कोई क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, तो कोई वहाँ पे पीछे खेल रहा है बास्केटबॉल, ठीक है, तो बास्केटबॉल जो भी खेल रहा है तो इनको भी देखा हमने। तो ये था आज का ब्लॉग है, ये था GDC कठुआ का ग्राउंड और पूरा जो मैंने दिखाया हुआ पूरे सिनेमैटिक व्यू लेने की कोशिश की है, हालांकि आपको पता मैं कोई डायरेक्टर या फिल्मकार तो हूँ नहीं, पर तब भी मैंने पूरी कोशिश की है। तो होप यू गाइस लाइक माय वीडियो और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो भी GDC वाले भाई कमेंट करके बताओ कि आपको कॉलेज कैसा लगता है, आप खेलने आते हो तो क्या क्या गेम खेलते हो, और सजेस्ट करो मेरे को और मैं कौन सा कठुआ में बताओ, कठुआ सिटी में यार, फिलहाल कठुआ सिटी में, क्योंकि यार अभी काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं जिसकी वजह से यार दिक्कत होती है बाहर जाने के लिए यार, जो रियलिटी है। बाकी आपको पता जब भी मैं जाता हूँ मैं फिर मैं बताऊँगा, फिर मैं चले जाऊँगा। खैर अभी अपकमिंग जो वीडियोज़ है मेरी वो आउट ऑफ सिटी ही है, क्या पता वो पूरे कश्मीर साइड की हो सकती है, तो गाइस इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे चैनल के साथ बने रहना, सब्सक्राइब करो, शेयर करो चैनल को, और भाई आपको कुछ बोलना अभी, वर्कआउट करो भाई, कोरोना कह रहा वर्कआउट करो, ठीक है, तो वर्कआउट करो, कोरोना पता कहते हैं ना यार बीमारियाँ चल रही हैं, है ना, कोरोना चल रहा है और भी काफ़ी सारी बीमारियाँ, तो भाई इसका एक ही रामबाण इलाज है, वो इलाज है वर्कआउट, रनिंग नहीं तो जॉगिंग, कुछ करो भाई, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करा करो, उससे यार बड़े सारे फ़ायदे होते हैं इंसान को, सुबह की जो फ्रेश एयर होती है वो लेनी चाहिए हमें अगर ज़िंदगी जीनी है अच्छे से, नहीं तो बीमारियां लग जानी है। मैं बेशक कर रहा हूँ जो भी है, मेरे को क्या पता मेरे को भी लग जाएंगी, नहीं ऐसा वो कुछ नहीं है, बट हम अपनी तरफ से जो प्रिकॉशंस हो सकें, जो हम कहते हैं ना अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए हमें, और स्टे हेल्दी, स्टे फिट और स्टे होम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।